नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये तस्वीरें आप पिछले एक साल से देख रहे थे जब किसान सामने हुआ करते थे मिनी सेक्रेटरीट के, और पीछे जो है पुलिस बल इस तरीके से गेट खड़ा बंद करके खड़ा हुआ करता था। लेकिन आज फिर से वही तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि झज्जर से हिसार की गैस पाइपलाइन दबाई जा रही है खेतों के अंदर, और किसानों का कहीं ना कहीं ये आरोप है कि अगर गैस पाइपलाइन नीचे दबाई जाती है तो उनकी जमीन की कीमत बेहद कम हो जाएगी। हालांकि क्या पूरा मामला है वो आपको बताती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है बेहद ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, और पुलिसकर्मी आप लोग देख पा रहे हैं। पुलिसकर्मी देखने के बाद आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए आगे जो है मनोज राठी अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेल में डाल दो, इस्तेमाल तो क्या बचेगा, जेल में डाल दो, ये तो नाश होना देश का, आज नहीं तो कल हो लेगा। परसों फोर्स गांव में चली गई, उसका क्या मतलब था जी? हम को आतंकवादी है जो हर खेत बात रखा, हम शिकायत इतने बड़े अफसरों की करांगे, ये डीसी मैडम तो गिमिल गिमिल समाधान काट देगी। शिकायत पुख्ता सबूत के साथ लीगल के हिसाब से शिकायत करांगे, ऐवें को नहीं मारा हम जी, शिकायत करना आए हाँ, सॉलिड मारी मांग है, सॉलिड मारी बात है, और सही आदमी आ रहे हैं सारे, एक एक का रिकॉर्ड चेक कर लो, एक भी आदमी अपराधी हो, एक भी क्रिमिनल हो, सारे किसान खेती बाड़ी करनी है, और सारा के खेत में पाइपलाइन टपन ला रही, पीड़ित है जी, और पीड़ित से अगर अफसर पुलिस बार लगा दे फिर शर्त रखे और फिर ना मिले तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है जी, दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन का काम तो सुरक्षा के लिए है, बाकी आपके ऊपर आपके विरुद्ध कुछ नहीं, अभी पुलिस प्रशासन आपको दबाने के लिए है, ये सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस लगाई जाती जी, है जी। बाकी आप लोगों की जो भी जायज डिमांड है आप मुझे उसका वो दीजिए ज्ञापन, हम आपको डीसी मैडम के माध्यम से उचित जो भी अधिकारी है उसके पास पहुँचाएंगे, और आपकी जो भी जायज मांग है उसका समाधान करने का हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं। बात सुनो भाई, कितने कागज दिए हम रेप तक ज्ञापन दे लिए ना, ज्ञापन कौन देना है जी, ना ना ज्ञापन ज्ञापन नहीं देना है, डीसी मैडम से बात करांगे ऑन सपोर्ट, और ऑन सपोर्ट सबूत देवांगे कि हमारे से इतना नाजायज हो रहा है, अगर हमारे से इतना नाजायज ना हो रहा है तो मान लेंगे, डीसी मैडम से बात करांगे, फैसला भी ऑन सपोर्ट होगा, आज मैडम दंडित करेगी उन लोगों को जो पुलिस लाइन पुलिस भेज के हमारी लाइन पे किसानों को धमकाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन की मदद करो, प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा, हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो, आप मदद करेगा मैडम को दे देंगे, हमें बात करवा दो हमारी, जो आप हमें दो तो मैडम के पास ही हम आपको नहीं देंगे, मैडम से बात करेंगे, कागज देने को नहीं आया, हमें 100 कागज दे लिए, हमने एक कागज पे कार्रवाई को नहीं हुई, बात सुन लो, साफ बात है, हमको तो डीसी मैडम से बात करनी है, ऑन सपोर्ट फैसला करवाना है, फैसला ऑन सपोर्ट वाला है, वो कंपनी वाले परेशान करे, एक बात बताओ जी, कंपनी वाले और एक चिट्ठी दे रहे, हमारा खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हमने भीतर कर दे, 5 मिनट लगे, हम इतनी बड़ी चिट्ठी देने इतने आदमी आ रहे हैं, क्यों नहीं सुन लग रहे, हम जिनकी शिकायत है पर्चा दे उनके खिलाफ, 5-7 गाँव के आदमी, एक एक दो दो आदमी ले लो गाँव से, और इनको आदमी की मुलाकात आप कमेटी है, उनकी बात करवा दो एक बार आप, ये कोई आतंकवादी थोड़े ना, आगे कोड़ा वो कौन करेंगे, कुछ ही नहीं है, कुछ जाग नहीं कह रहा कोई भी, मैडम आप संतुष्ट कर दे, बात कर ले सामने रखने में यहाँ दिक्कत क्या हुआ है, वो भी एक वही बात है, बात करेंगे किसान से उठ गया, हम ना बुलाओगे प्रशासन की मदद करो, ये बात करो, देखो ना हमें जितना स्ट्रीम भी पाओगा एसपी भी पाओगा पाओगी आज एक सुन लो मेरी बात है, यह बात क्या है, देखो भाई बात सुन लो, डीसी प्रशासन अधिकारी है, उसके सिवाय कागज दिया नहीं दिया, आए नहीं आए कोई फायदा नहीं है, ठीक बात है, डीसी मैडम मिलेगी, हमारी बात सुनेगी, समस्या हल करेगी तो जावांगे, नहीं तो उरे बैठांगे और भीतर सोवांगे, उरे जाडम कौन सोवा, मैं बताऊं तहसीलदार साहब एसडीएम साहब आप जो भी हैं हमारे अफसर हो हमारे माननीय हो, हम इज्जत करें आपकी जी, लेकिन हम यहाँ बाहर कौन सोवा, बिल्डिंग में अंदर सोवाएं, गुदड़े मंगा लेंगे, हमारे डीसी मैडम मानेगी, समाधान करेगा सारा, हमारी बीमारी कटेगी तो जावांगे, रोज का रोज ड्रामा हमारा पसंद को नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल लेके आया हम, पुलिस किस लिए गई लाइन पे जी, लाइन वाला ने बुला लिया फोन मार के, भाई वो पैसे वाले आदमी है, बड़ी फर्म है तो किसान ना गलत मारेंगे जी, बताओ फिर जबरदस्ती थोड़ी, हमारी जो मांग है हमारी मांग है उस पर विचार करो, हमें तो मिलने भी नहीं दिया सर, हमारी फसल वहां स्टोरी मशीन लेके घुस जाते, हमारा फैसला हो नहीं रहा, दबाव आ रहा,
आप मांगे मैडम से बात कर रहा हूँ, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, साफ बात है। कहीं जमीन का ये रेट साफ बात है जी। हम देखो आप बात कराओ बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम अंदर जाके बैठांगे, वहीं सोवांगे और वहीं रहवांगे जी। सिर्फ साफ बात है, दफ्तर सरकार का नहीं है जी, वो जनता का है। जनता का हमारा दफ्तर है, हमारी बिल्डिंग है, हमारी एसी है, सब कुछ हमारा, हमारा अधिकार है संवैधानिक, हमारा अधिकार के जानकार है, हमने नॉलेज है पूरी, और हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, कोई फजूले को नहीं आ रहे। हम पढ़े लिखे आजकल किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन अपने अधिकारों की नॉलेज है, और सरकार बदलने की नॉलेज भी आ चुकी है। ये जो सत्ताधारी नेता बैठे हैं ना, इलाज भी समय होगा जब करेंगे हम। और जो अफसर आज तानाशाही बरतने लग रहे हैं, जो अफसर किसानों को परेशान करने लग रहे हैं, एक दिन किसान की सरकार भी बनेगी, मजदूर की सरकार भी बनेगी, इन आम लोगों की सरकार भी बनेगी, सबका हिसाब किताब कराया जाएगा, सबका इलाज कराया जाएगा। ये सारे जनता सुनने लग रही है, अफसर सुनने लग रहे हैं। साफ शब्दों में बताऊं, आज हमारे बच्चे रोने लग रहे हैं, हम परेशान है, या कोई शौक थोड़ी हमने, कोई आम रोज बैठने वाले नहीं है, कभी साल छह महीने में आते हैं अफसर से मिलने के लिए, तब कहते कौन का सोनी से ही बात होगी। हालांकि पूरी बात क्या है वो इनसे ही जानने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखिए सभी के सभी लोग जो है रोड के ऊपर बैठ चुके हैं। हालांकि सर्दी का मौसम है। मनोज राठी जी मुझे ये बताइए कि आपकी असलियत में मांग क्या है? के मांग होती बेबेण ने हमारा नाश कर रखे है। हम पहले भी डीसी मैडम से मिले थे, मनमावा जब ही हमारे खेत में घुस जावे हैं, मनमावा जब आपके खेत के अंदर झज्जर हिसार पाइपलाइन को लेकर के मामला चल रहा है, अब उसके अंदर क्या हाथ जोड़ा? हमारा पाइपलाइन चाहिए को नहीं, हमने और खड़े का दाब लो। डीसी मैडम तो यही बात करना आया हूँ मैं, पाइपलाइन कौन चाहिए? मैडम जी इस पाइपलाइन ने ले जाओ, बास दिए पाइपलाइन ना हमें, खड़ी फसल में गेहूं की खड़ी फसल है, उसके महंगा मशीन घुसाने लग रहे हैं, मुआवजा के 100 रुपये अलग देने को लग रहे, लूंगा 10-10, 15-15 हज़ार देवांगे, 2-2 कनाल जमीन की लम जान लग रही है, 2 कनाल का मतलब 1000 गज जमीन है, 1000 गज शहर में पूछो क्या 1 करोड़ की है, और हमारे लिए जमीन 15 हज़ार की 10 हज़ार की, हम हाथ जोड़ रहे हैं जी, हमने कौन चाहिए? हमारी पाइप लाइन ना दबाओ, न तो मुआवजा देने लग रहे, हमारा मजाक बना रखे सरकार ने, न हमारा कोई ढूंढ का दौरे का मकान का दौरे का पाइपलाइन जाने लग रही है, मकान के नीचे का पाइपलाइन दबन ला रहे जबरदस्ती, वो पाइपलाइन फटगी सारे मर जाओगे, हम क्या करेंगे मुआवजे का? नू बोले गांव का सारा का पाइपलाइन आ गई, मैंने कही भाई गलत है, आबादी से तो दूर होनी चाहिए, सीएनजी की लाइन है। बोले जी 2009 में सर्वे कराया जब गांव कौन था, बगाना गांव 2009 में कौन था बेबे? बसाया इतना बड़ा गांव ही बसाया है। तो अब रजिस्ट्रियां कैसे हो रही है गांव में? रजिस्ट्री कर दो थी जी, ये तो वैसे ही छिनन लग रहे हैं जमीन है। जो जमीन इन लोगों ने एक्वायर कर ली उसकी न रजिस्ट्री, उसके न वह जमीन बिक सके, न उसमें मकान बना सकते, न उसमें पौधा लगा सकते। तो जहाँ पर ये पाइपलाइन डाली जा रही है वो जमीन किसानों की या फिर सरकारी जमीन है? किसाना की है बे, दादा लाई है, अनके दादा परदादा ना बड़ी मुश्किल से जमीन बचाई थी वहाँ, आज ये खोसन लाग रहे हैं अंग्रेज बन के, ये लोग घरों से बाहर करने लाग रहे हैं, जिसका घर फूटे उसी को तकलीफ हो, जिसका घर टूटे उसी को तकलीफ हो बहन जी। हेलो, गामा के आदमी आ रहे? 5 गामा के भाव जी, प्रत्येक गांव से एक आदमी हो सके है ना जी, ना डीसी में देखो एक शिष्ट वो भी है, 244 लगी हुई है, 5 आदमी असिस्ट मंडल कोई बना लो, बाकी आप यहाँ बैठ जाओ, 2 आदमी काम के लिए 2 आदमी जरूरी है जी, या कंपनी में जाके बिक जाए देश। सुन तो लो, जब आप एक आदमी सुनो मेरी बात है, जब बात तो आपने करनी है अकेले ने, बाकी तो आप मराठी मराठी में कहते सुन तो लो, धारा 144 लगी हुई है पहले से ही, आपने सारा ज्ञान इस बात का, आप पढ़े लिखे हो भाई, हम फिर भी आपकी वो बात रखने के लिए छूट जाती है, और किसान आओ जी तो धारा 144 होगी, मारे मारे में लागू है क्या ये रैली कर रहे? कभी नेता आता कभी मंत्री आता, तब धारा 144 नहीं है, हमारे में धारा 144 है क्या? 5 गांव के आदमी हो, प्रत्येक गांव से एक आदमी हो जाओ, और आपको डीसी मैडम से मिलवाएंगे, कम से कम 12-13 आदमी भैया, धारा 144 है, हमारी सीमाएं हैं, हम आपके विरोध में नहीं है, हमारी सीमाएं हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते हम। आप बात कर लो साहब जी, और धारा बात कर लीजिए, हमें आपसे कोई बात थोड़ी ना, उन्होंने आपको बताई है, चलो हम बता ले एक बार सारा डिस्कस। हाँ कर लो जी, 5 आदमी आप देखो, एक बात तो मैं कहूंगा जी, बुंडली बात है, बुरा ना मानियो मेरी बात, मेरी बात का बुरा ना मानियो था मैं ना। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुष्यंत की कोठी पे जाके देख लो 200 आदमी खड़े बाट देखे उसकी, अरे और मंत्रियां कोठी पे देख लो, डीसी मैडम तो मिलने खातर 5 आदमी है कंडीशन, 5 आदमी भाई गरीब हाँ जब है, हाँ जी किसान हाँ आम आदमी, इसलिए
दुष्यंत और चौधरी आदमी है, ये 100 आदमी आ पड़े घसड़ घसड़ उड़े कोई कौन बोल रहे सांस। 5000 वो भी बाबूजी मैडम ने कहो तुम हर से अत्याचार ना करे, अत्याचार ना नहीं पिपली रैली में प्रशासन वाले के गए पुलिस वाले, हम तुम्हारे भाई हाँ और हमने सूरा मोड पे सारे रोके गए, भाई होंदा नहीं तो हमने जान न दे, वो एक आधे मार रखा हो तो अगर हरियाणा में एक आधा कमीन हो है ये मारे में जो रोके नहीं वो मारा हमारे कमीन समूह है, मारे भाई होंदे तो हमने जान दे, तुम्हें चलो भाई तुम भी चलो हम भी चलेंगे अगर बात करेंगे मैडम से। भाई तुम आपको बता देती हूँ कि मामला क्या है, मामला ये है कि 5 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और आज जो है डीसी प्रियंका सोनी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और आने के पीछे की वजह ये है कि इनके खेतों के अंदर जो है सीएनजी की गैस पाइपलाइन डाली जा रही है जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इनकी जो जमीनें हैं जहाँ पर अगर पाइपलाइन डाल दी जाती है तो उसकी कीमत जो है बेहद ज्यादा कम हो जाएगी। अगर बात की जाए 19 जमीनों के हिसाब जैसे शहरों के अंदर तो उनकी कीमत जो है करोड़ों के अंदर है, लेकिन गैस पाइपलाइन दबने के बाद गांव के अंदर उसकी कीमत जो है बहुत कम हो जाएगी। हालांकि ये लोग आप लोग देख पा रहे हैं 5 गांव के लोग आज हिसार के लघु सचिवालय के सामने जो है प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। मनोज राठी जो है इनका नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कितने कौन कौन से गाँव से आए हो। हम जी आए हैं उमरा सुल्तान पर रामायण डेरी बगाना बड़ी सातरोड़। हाँ ये हमी कम से कम भी 7-8 गांव है, अगर हमारी बात नहीं बनी तो जज्जर से लेकर इशार तक की लाइन जुड़ेगी। हाँ सारे किसान, ये हमने सब किसान मोर्चा को भी दे रखा था, उन्होंने कहा मारे आया था तुम्हारी पाइपलाइन का क्या हुआ, माजी हमारा पड़ा पेंडिंग, बोले पेंडिंग पड़ा तो उनसे बात करके हम आज यहाँ आए। यहाँ नहीं हम मेरा आंदोलन हमारा फिर पूरा प्रदर्शन कराएंगे, क्यों मारे की हमारी दादालाई जमीन है जबरदस्ती खोस रहे हैं। हाँ तो क्या पाइपलाइन डालने से पहले आप लोगों से पूछा नहीं गया था? नहीं पूछा गया था, ये जी 3 सर्वे में मैं था मौजूद। हाँ। अभी भी ताजा, शाम को कली डालते हैं जब मालिक खेत में नहीं होता तब मालिक खेत में होता तब तो उसके खेत में नहीं बढ़ते, और मालिक नहीं होता कभी उस साइड को कली डालते थे कभी उस साइड को कली डाल देते है, ऐतराज करते हैं। यहाँ आए हम कम से कम 2007 से लग रहे हैं जी, इसमें इस मिशन में 2007 से हैं और हम तो हमारी जी दादालाई धरती देने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ ये करा के जी फिर इन भाई साहब तो राज है, हमने जी बाप दादे भी डरा करते डर, फिर हमने ही मारा इस तरह डर क्या खुले। अच्छा, जब आप लोग मना करते हैं तो उनका क्या रवैया होता है? इनका वो रवैया हुआ जी जब पुलिस प्रशासन को अप्लीकेशन दे देते हैं बुला ले जाते हैं, हमारे को डराने का काम करते हैं और खेत में नहीं होते तो ये लाइन खोदने का दबने का काम करते हैं, न हमारे को कोई ये पहले ये सलाह लेते तुम्हारे खेत में पाइप डालेंगे। यानी कि आपकी गैर मौजूदगी के अंदर डाला जाता है? बिल्कुल गैर मौजूदगी में जी। अरे इसकी समस्या लेकर यहाँ डीसी मैडम के साथ आए, यहाँ पे प्रशासन रोके गया है इनको, ये देखो या क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं कि लगभग 5 गांव के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं, हालांकि ठंड के अंदर सड़क के ऊपर बैठ चुके हैं क्योंकि मांगे ये है कि अब सीधा जो है डीसी प्रियंका सोनी से मिलवाया जाए, क्योंकि एसडीएम कई बार आ चुके हैं, गांव के लोग कई बार पुलिस प्रशासन से मिल चुके हैं लेकिन अब तक कोई भी निचोड़ जो है इस बात का नहीं निकला है, तो अब आखिरी बार जो है डीसी प्रियंका सोनी से मिलने की ये लोग उम्मीदें कर रहे हैं। और अभी अभी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि 5 गांव से यहां पर लोग आए हैं, तो 5 गांव से जो है दो दो व्यक्ति डीसी प्रियंका सोनी से या फिर एक एक व्यक्ति जो है डीसी प्रियंका सोनी से